गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट अथॉरिटी के बारे में। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर इज़ अ मैथमेटिकल टेक्निक यूज टू वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ मैसेज, सॉफ्टवेयर और डिजिटल डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो होता है मैथमेटिकल टेक्निक होती है कि हमने जैसे अपना मैसेज भेजना है तो मैसेज क्या सही है और क्या मतलब ऑथेंटिसिटी है उसकी, मतलब कि वो जो सोर्स है जिससे हमने डाटा लेना है उसी में से डाटा, वही डाटा दे रहा है कि कोई डाटा को करप्ट करने के लिए, ठीक है, मैसेज भेज रहा है। ठीक है, तो ये हमने चेक करना है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। जब हम डिजिटल सिग्नेचर करके देते हैं तो इसका मतलब कि वो डाटा हमारा बिल्कुल सही ही है और वो किसी उसी सोर्स से आया है जिस सोर्स से डाटा आना चाहिए, मतलब वो करप्ट कर कोई हैकर नहीं है। ठीक है, कोई हैकर नहीं है जो हमारे डाटा को करप्ट करना चाहता है। ठीक है, द डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ अ हैंड रिटन सिग्नेचर और स्टैम्प्ड सील, अ डिजिटल सिग्नेचर ऑफर्स फार मोर इनहेरेंट सिक्योरिटी एंड इट इज इंटेंडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ टैम्परिंग एंड इम्पर्सनाइजेशन इन डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये हमारी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर्स ऑफर्स फार मोर इनहेरेंट सिक्योरिटी, इसमें काफ़ी ये सिक्योरिटी होती है और ये हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है, देन आते हैं इसके फीचर्स। गारंटी द ऑथेंटिसिटी, ये ऑथेंटिसिटी की गारंटी देता है कि हाँ जी हमारा जो डॉक्यूमेंट जहाँ से डॉक्यूमेंट आया है वो ऑथेंटिक है, वो राइट सोर्स है, वो सही है, हम उससे डाटा ले सकते हैं, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, गारंटीज द ऑथेंटिसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और मैसेज इन डिजिटल कम्युनिकेशन यूजेस इंक्रिप्शन टेक्निक टू प्रोवाइड, इसमें इंक्रिप्शन टेक्निक लगी होती है जिससे कि हम प्रूफ हो जाता है कि वो ओरिजिनल है और अनमोडिफाइड है, मतलब किसी ने उसको चेंज नहीं किया, करप्ट नहीं किया। यूज्ड इन ई कॉमर्स, इसे ई कॉमर्स में यूज़ किया जाता है, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और अदर सिचुएशंस में इसे यूज़ किया गया है, दैट रिलाई ऑन फॉर्जरी और टैम्परिंग डिटेक्शन टेक्निक्स। ठीक है, आर लाइक इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट्स, ये इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट्स की तरह होता है, इन द फॉर्म ऑफ कोडेड मैसेज, इसमें एक मैसेज जो होता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में आता है जिससे हमें जब हम मैसेज को पढ़ते हैं देन हम उसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं, डिक्रिप्ट करके पढ़ सकते हैं जिससे कि पता लग जाता है कि हाँ जी किसी ने डाटा करप्ट नहीं किया होगा क्योंकि हमने इनक्रिप्टेड होके भेजा था इसे। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर होता है एक सोर्स का जहाँ से, मतलब सेंडर का जिसने सेंड किया है डाटा। ठीक है, वो डिजिटल सिग्नेचर से हमें पता लग जाता है ये उसी डाटा, मतलब जिससे हमने लेना था डाटा उसी ने भेजा है इसे। यूज़ अ स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड फॉर्मेट, ये स्टैंडर्ड और एक्सेप्टेड फॉर्मेट को ही एक्सेप्ट करता है जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टू प्रोवाइड द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, जिससे कि हमें हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी मिलती है और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिलती है कि हाँ जो हमने डाटा लेना है, मतलब जो भेजना है वही भेजा है। ठीक है, इसमें वही सेम ही फॉर्मेट, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसी को ही एक्सेप्ट करता है, किसी और फॉर्मेट को ही एक्सेप्ट नहीं करता। जो फॉर्मेट होता है जिसे हमने एक्सेप्ट किया है वो है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, उसी में हमें हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है। ठीक है, उसी फॉर्मेट में हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होती है कि हाँ इसे यूनिवर्सली सारे एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाउ डज़ इट वर्क, ये वर्क कैसे करते हैं, जैसे अब ये साइनर है, ये सेंडर है, इसने डाटा को सेंड किया देन ये हैश एल्गोरिथम लगा देगा, इधर ये हैश एल्गोरिथम लगा के, ठीक है, जो भी हैश में बिट्स, ये बिट्स भेजेगा। ठीक है, हैश एल्गोरिथम में ये बिट्स भेजेगा और ये प्राइवेट की से इसे डाटा को इनक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, प्राइवेट की लगा के डाटा को इनक्रिप्ट कर देगा और अब ये डॉक्यूमेंट पूरा साइंड हो गया, अब हम इसे भेज सकते हैं, अब हमने इसे भेजा नेटवर्क पे। जब हम इसे नेटवर्क पे भेजेंगे तो ये जाएगा, फिर ये हैश एल्गोरिथम, ठीक है, वो
यही हैश एल्गोरिथम हम फिर यूज़ करेंगे। देन हमने क्या है, जो वेरीफायर है अब इसे वेरीफाई करेगा, पहले तो डिक्रिप्शन लगा के, डिक्रिप्शन अगर इनक्रिप्शन प्राइवेट की से हो रही है तो डिक्रिप्शन पब्लिक की से होगी, वो इसे डाटा को डिक्रिप्ट करेगा, फिर हैश एल्गोरिथम तो सेम ही यूज़ होगा, देन वो इसे वेरीफाई करेगा कि ये सेम एल्गोरिथम है जो इधर यूज़ हुआ था, ठीक है। अगर सेम है देन मतलब ये वेरीफाइड है, नहीं तो ये करप्ट हो गया, ठीक है। ये वाली टेक्निक जो है जिससे हमें पता लगता है कि जो हमने डाटा सेंड किया है इसने वही है, यहाँ पे जो मतलब ये वाला जो चीज़ है इसको वेरीफाई करेगा कि अगर ये सेम है तो मतलब हमारा डाटा करप्ट नहीं हुआ, सही है, ऑथेंटिकेटेड है, ठीक है, एक्यूरेट है। अब है डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में क्या डिफरेंस होता है। मेन पर्पस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर इज़ टू सिक्योर अ डॉक्यूमेंट सो दैट इट इज़ नॉट टेम्पर्ड विद बाय पीपल विदाउट ऑथराइजेशन। डिजिटल सिग्नेचर का क्या पर्पस होता है, डॉक्यूमेंट को सिक्योर्ड करना। और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है, ये मेनली यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए। द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंड ऑथर्स आर आइडेंटिफाइड, इसमें क्या हम पता करते हैं कि सोर्स क्या है डॉक्यूमेंट का और ऑथर्स कौन से हैं, ठीक है। इसमें हम बस डाटा को सिक्योर्ड रखते हैं डिजिटल सिग्नेचर में। रेगुलेशन क्या है, ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़, इसके ऊपर सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ काम करती है डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर। दीज आर ट्रस्टेड थर्ड पार्टी इंटरेस्टेड विद ड्यूटी टू परफॉर्म सच टास्क, ये जो अथॉरिटीज़ होती है ये देखती हैं कि वो अपना काम डिजिटल सिग्नेचर अच्छे से कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है आर नॉट रेगुलेटेड एंड दिस इज़ द रीज़न वाई दे आर लेस फेवरेबल इन डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। ये रेगुलेटेड नहीं होते इसीलिए जो है ये लेस फेवरेबल होते हैं, इनको इतना पसंद नहीं किया जाता इन डिफरेंट स्टेट्स, सिंस देयर ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकसिटी इज क्वेश्चनेबल, ये जो ऑथेंटिसिटी उनकी क्वेश्चनेबल होती है, दे कैन बी इजिली टेम्पर्ड विद, ठीक है। ये रेगुलेटेड नहीं होते क्योंकि ये लेस फेवरेबल होते हैं। कंप्राइज्ड ऑफ मोर सिक्योरिटी फीचर्स, इनमें ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं दैट आर मेंट टू प्रोटेक्ट द डॉक्यूमेंट, जो कि डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इज़ लेस सिक्योर सिंस इट इज़ नॉट कंप्राइज्ड ऑफ वाइबल सिक्योरिटी, ये लेस सिक्योर्ड होते हैं क्योंकि इसमें सिक्योरिटी फीचर्स नहीं होते। प्रॉपर्टीज़ क्या है डिजिटल सिग्नेचर की, ये ऑथेंटिकेशन है, नॉन रेपुटेशन है, नॉन रेपुटेशन मतलब ये रिपीट नहीं होते, मतलब इसमें रेपिटेशन नहीं होती, ठीक है। वेरिफिकेशन, इसमें वेरिफिकेशन होती है इजी एंड क्विक, ठीक है। डाटा इंटीग्रिटी, डाटा इंटीग्रिटी मतलब डाटा बिल्कुल सही होता है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या होती है, डिजिटल सिग्नेचर जो होती है वो पब्लिक और प्राइवेट कीज़ के ऊपर लाए करते हैं, पब्लिक की या प्राइवेट की। अगर प्राइवेट की डाटा को इनक्रिप्ट कर रही है तो पब्लिक की उसे डिक्रिप्ट करेगी, और अगर पब्लिक की उसे इनक्रिप्ट कर रही है तो प्राइवेट की उसे क्या करेगी, डिक्रिप्ट, ठीक है। पब्लिक की जो होती है वो पब्लिकली नोन होती है, जो प्राइवेट होती है वो बस उसी यूज़र को, सोर्स को पता होती है या उसके रिसीवर को पता होती है कि वो क्या होती है, ठीक है। विच हैव टू बी प्रोटेक्टेड, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है ताकि वो सेफ रहे और उसका कोई गलत यूज़ ना कर सके, पब्लिक और प्राइवेट कीज़ का, ठीक है। अ सर्टिफिकेट अथॉरिटी इज़ ट्रस्टेड एंटिटी दैट इशूज डिजिटल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट अथॉरिटी वो होती है जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स हमें इशू करती है, ठीक है। विच आर डाटा फाइल्स यूज टू क्रिप्टोग्राफिकली लिंक एन एंटिटी विद द पब्लिक, जो कि फाइल्स, डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, वो फाइल्स होती हैं, वो हमारे जो है एंटिटी को, वो हमारे एंटिटी को पब्लिक की के साथ लिंक करती हैं। सर्टिफिकेट अथॉरिटीज आर अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ इंटरनेट्स पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्टिफिकेट अथॉरिटीज जो होती है वो क्रिटिकल पार्ट होती है इंटरनेट पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिकॉज द इशू द सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट, क्योंकि वो सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट्स इशू करती हैं।